परिवार के साथ मनीष कश्यप ने बनाया वीडियो। मां समेत परिवार ने मोदी को लेकर क्या कहा? वायरल वीडियो को देख लालू तेजस्वी जल भुन जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकतंत्र के महापर्व के बीच देशवासी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश की सत्ता में एक मजबूत सरकार को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले मनीष कश्यप ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला और इसी के साथ देश की जनता को एक मैसेज दिया कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि इस दौरान मनीष कश्यप ने बाकायदा एक वीडियो भी बनाया और अपने पूरे परिवार के एक एक सदस्य से पूछा कि उन्होंने किसको वोट डाला और क्यों। सुनिए परिवार के सदस्यों ने एक तरफा मोदी को लेकर क्या कुछ कहा। कुछ ऐसा बयान दिया है पूरे परिवार ने जिसको सुनकर तेजस्वी और लालू का भी सिर चकरा जाएगा। सुनिए क्या कहा मनीष कश्यप के परिवार। अभी मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने गाँव में हूँ और वोट दे के आया हूँ और वोट राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, वोट राष्ट्र के विकास के लिए, वोट बिजली के लिए, वोट शिक्षा के लिए, वोट स्वास्थ्य के लिए, वोट संविधान की रक्षा के लिए, वोट दुनिया में भारत की मजबूती के लिए, वोट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वोट डेवलपमेंट के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, किसान सम्मान निधि के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वोट दे के आया हूँ। और ये मेरा पूरा परिवार है और हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से जो है मेरा पूरा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आया है। आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी को ही हम लोगों ने वोट किया है। तो चाचा जी, कितने साल से आप वोट कर रहे हैं? कम से कम 30 बरस से बीजेपी का वोट दे रहे हैं। अच्छा, उसके पहले किसी पार्टी को वोट दिए थे कि नहीं? हम किसी को पार्टी को नहीं दिए। किसी पार्टी के ना? करण, मैं दूसरी बार दे रहा हूँ और दूसरी बार भी मैं भाजपा को ही दिया। भाजपा को? आंटी जी, भाजपा के ही दिया। भाजपा के काहे वोट देनी? अब बताइए मतलब हमनी के कहानी संग ओइ से देखी लाइट आइल बाटे, देखो त नहीं पहले लाइट रहे ना रहे। नल जल योजना भी बाटे, नल से पानी भी आ रहल बाटे, लाइट भी आ रहल बाटे, रोड भी आ गइल, ई चीज बाटे। मम्मी केकरा वोट देलु? भाजपा के काहे? और हमेशा भाजपा के देनी कमल देनी। कमल के फूल। हाँ। बाबा जी नेवी से रिटायर्ड है, बाबा जी है, किसको वोट दिए हैं? मैं तो भाजपा को आज तक भाजपा को ही वोट देते आ रहा हूँ आज 30 साल से। हाँ, 30 साल से मदन जायसवाल यहाँ पर ये थे तो मैं प्रॉपर उनका कार्य करता था। उसके बाद नेवी में चला गया तो वहाँ भी हम लोगों का वोटिंग होता था तो मैं भाजपा को ही वोट देता था आज तक। आज भी मैं मोदी जी का भक्त हूँ। तो भाजपा को वोट दिए हैं और बड़े पापा है आर्मी से रिटायर्ड है, किसको वोट दिया बड़े पापा? हम तो 40 साल पहले ही से वोट भाजपा को देते आ रहे हैं। हाँ। आज तक दूसरे पार्टी को वोट नहीं दिए हैं। दूसरे पार्टी को वोट नहीं दिए आज तक? नहीं। कांग्रेस को काहे नहीं? मुझे कांग्रेस पसंद है नहीं है। नहीं है पसंद? नहीं है पसंद। हाँ। इसलिए कांग्रेस को मैंने आज तक वोट नहीं दिया। धनजय भैया, किसको वोट दिए? भाजपा को। भाजपा को? चलिए, भाजपा को का है? भाजपा अच्छा काम करता है इसलिए। पहले कांग्रेस अच्छा काम करता था तो बुढ़वा बाबा दे रहे थे और उसके बाद में कांग्रेस का काम गलत हो गया, हम लोग भाजपा में आ गए, भाजपा को वोट देने लगे। तो पूरा परिवार हम लोगों का भाजपा को वोट दिया और आप लोग भी विकास के नाम पे वोट दीजिए। ये जो विपक्षी बार बार भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, विदेशों में बैठे कुछ जर्मन यूट्यूबर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को बेशर्म कहते हैं, अब जरा सोचिए उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए और भारी से भारी बहुमत से जिताइए। दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद से आपने देखा कि किस प्रकार से विकास हुआ, कितने नए एयरपोर्ट बने, कितने मेडिकल कॉलेज बना, कितना यूनिवर्सिटी बना, कितने गांव में लाइट आया, कितने गांव में सड़कें गई, कितना नेशनल हाईवे बना, 4-लेन हाईवे बना, एक्सप्रेस वे बना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग जानते हैं और हमें पता है कि आप लोग जो है विकास के नाम पर जब वोट देने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही निशान होगा, वो कमल का निशान होगा और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखेगा, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का चेहरा दिखेगा। तो आप मोदी जी को वोट करें, देश को मजबूत करें। जय हिंद।
जय।